सेवानिवृत्ति सरकारी कार्यों में एक परंपरा है। जिनकी सेवा प्रारंभ होती है उसकी सेवा की समाप्ति की तिथि तय है। इसमें आना जाना लगा हुआ रहता है। उक्त था त्रितय बाते शाखा प्रबंधक चिरंजीवी दुबे ने भारतीय स्टेट बैंक नारायणपुर शाखा में आयोजित बैंक कर्मी के विदाई समारोह में लोगों से कहा। शनिवार को देर शाम बैंक के प्रशाल में सेवानिवृत्ति बैंक कर्मी वेणु सोरेन का विदाई समारोह का आयोजन हुआ। विदाई समारोह में उपस्थित मुरली पहड़ी चैनपुर पांडेडी के सभी बैंक मैनेजर उपस्थित थे। सभी ने बारी बारी से सभी कर्मियों तथा अधिकारियों ने सेवानिवृत्त कर्मी को शॉल पुष्प गुच्छ आदि भेंट कर उन्हें उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस बाबत शाखा प्रबंधक चिरंजीवी दुबे ने कहा कि लंबे समय से उन्होंने विभिन्न शाखाओं में अपनी सेवा देकर एक अच्छा कार्य करने का छाप छोड़ा है। विदाई समारोह में ढोल मांदर नगाड़ा आदि एवं एक से बढ़कर एक झूमर नाच गान का भी आयोजन किया गया। मधुर तथा सौम्य विचार के धनी व्यक्ति के नाम से जाने वाले वेणु को हम कभी नहीं भूल सकते। मधुर तथा सौम्य विचार के धनी व्यक्ति के नाम से जाने जाने वाले वेणु को हम कभी नहीं भूल सकते। जिस काम को कोई बैंक कर्मी नहीं कर सकता था उसे उन्होंने मिनटों में कर लोगों को सेवा देने का काम किया। उनके व्यवहार से यहाँ के बैंक कर्मी ही नहीं बल्कि ग्राहक भी हमेशा खुश रहते थे। उन्होंने उनके आगे के जीवन को सुखमय के लिए ईश्वर से कामना की तथा शुभकामना दी। मौके पर शाखा प्रबंधक दीपक कुमार, टिकैत चंद्रदास, विजय कुमार, कर्मी दीपक कुमार ओझा नारायण पोद्दार, बाबूलाल मरांडी आदि उपस्थित थे। शाखा के स्थायी लेखापाल थे, अभी तक हैं, मैंने थे नहीं बोलेंगे हैं, उनका रिटायरमेंट की घड़ी मतलब कल है, आगामी कल यानी 31 जनवरी 2021 को, लेकिन रविवार होने के नाते या कारण से आज उनका हम लोग फेयरवेल दे रहे हैं। इस सुखद घड़ी के अवसर पर मैं श्रद्धेय वेणु साहब को पहले मैं अपना अभिवादन में प्रश्न व्यक्तिगत रूप से अभिवादन जनाता हूं एवं अपने हाउस के तरफ से इनको वेलकम करता हूं, अभिवादन जनाता हूं एवं इस मौके पर उपस्थित हमारे यूनियन के लीडर शंकर दास साहब, मुरली पहाड़ी के ब्रांच मैनेजर दास साहब, मुरली पहाड़ी के ब्रांच मैनेजर दीपक जी, पांडे डी के ब्रांच मैनेजर दास साहब और मेरे जितने भी सहकर्मी हैं एवं ऑफिसर्स हैं, सबको मेरा अभिवादन। ये ऐसे आदमी हैं जिनसे हम अभी तक, आज लास्ट डेट है इनकी रिटायरमेंट का वर्किंग के अनुसार से, ऐसे कल है, इस क्षण में भी मैं इनसे ऊर्जा पाता हूँ। अगर काम करना है सिंसियरली तो ये बहुत ही ऊर्जावान आदमी है, भले ही एज हो गई हो लेकिन ये कभी काम में कभी निगेटिव नहीं दिखा है, सबसे पॉजिटिव दिखा है। जामताड़ा से कार्तिक सिंह की रिपोर्ट।